भाई हम वो पे पहुंच चुके हैं और क्या व्यू है यहाँ से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वाटरफॉल में। तो वाटरफॉल बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन टाइम रिस्की भी बहुत ज्यादा है, तो मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ ना। ओ भाई साहब जरा ये देखो भाई, मतलब पूरा पहाड़ यहाँ पे टूट के आ रखा है यार। ये तो आज का दिन जो है यहाँ बैठ के अपना स्पेंड करने वाला है। एक बार जरा पीछे का व्यू देखो भाई, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और जी सबसे पहले तो एक जरूरी सूचना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि भाई ये गाना कौन सा है जो कि अभी आप लोगों ने सुना होगा मेरे इंट्रो में। तो उन लोगों को बता देता हूँ कि ये जितने भी गाने मैं अपने वीडियो में यूज करता हूँ ना, वो सारे के सारे आते हैं एपिडेमिक साउंड से, जो कि एक पेड वेबसाइट है। तो अगर आप लोग को ये गाने यूज करने हैं ना, तो जाके आप लोग इनका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। तो दगड़ियों, तारीख 10 जुलाई, दिन संडे, इसका मतलब फंडे। और इस फंडे में 4 चांद लगाया है हमारे मौसम ने, क्योंकि देखो आज बारिश नहीं हो रही है। ओ जी जरा मौसम देखो भाई, वो तो पहाड़ इतने ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं ना। क्या कह रहे हो आप लोग को नहीं दिखे? चलो कोई बात नहीं यार, अभी वहीं जाना है, डोंट वरी। बाकी व्लॉग की शुरुआत कुछ खास नहीं दिख रही है मुझे, प्लीज लेट मी गो। बे भयंकर ये क्या नौटंकी है बे, तुम सफाई कर्मचारी हो या भयंकर की उल्टा हो? पूरा तो कूड़ा गिरा दिया नीचे। अरे यार इंडिया की ना बस यही प्रॉब्लम है भाई, कर रहे हो तो अच्छे से करो यार, ये क्या बकवास है। चलो कोई बात नहीं, बाकी चलिए पहले अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दगड़ियों स्वागत आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल बग में। बाकी दगड़ियों आज ये ट्रैवल बग जा कर रहा है। ओहो आप लोग कैसे बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो दगड़ियों काफी पहले ना मैं एक वाटरफॉल में गया था जो कि था हमारे कोटी भाव वाला साइड में। खैर आप लोग को क्या याद होगा, एक काम करता हूँ छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आप लोग को। तो इसी वाटरफॉल में हम लोग पिछले साल इसी टाइम गए थे और सच में ना भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा वाटरफॉल था। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी थोड़ा टाइम पहले ना यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यानी बादल फटा था। अब काफी सारे लोग मुझे बता रहे थे कि भाई ये जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई है। तो बहुत टाइम से ना मेरा मन कर रहा था जानने का कि भाई ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं उसी साइड, बाकी देखते हैं क्या क्या हुआ है वहाँ पे। ओए होए होए, बाकी अभी शायद आप लोग को दिख रहे होंगे पहाड़ सामने, कितने बढ़िया लग रहे हैं भाई। पहाड़ों की टिप ना, मतलब ऊपर जो टिप है वो पूरी पूरी बादलों से जो है कवर्ड हो रही है, तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी हम उन्हीं पहाड़ों की साइड जाने वाले हैं। बाकी अभी मैं प्रेमनगर में हूँ और जा रहा हूँ यहाँ से भावला। तो चलिए फिर चलते हैं। दगड़ियों तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाव वाला, और जरा सामने का नजारा देखो भाई, वो तो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये पहाड़। है, है। जी दिल खुश कर दिया, जी दिल खुश कर दिया। और ये आ गया अपना तिलवाड़ी ब्रिज, तो यही हमारा मीटिंग पॉइंट था। और यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सबसे पहले मैं ही आ गया हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई नहीं, इसी बहाने इस व्यू को एंजॉय करते हैं। तो फाइनली देखो ये लोग आ गए, इतना लेट कौन आता है भाई, टाइम से आया करो। बाकी इस व्यू को हमने काफी देर बैठ के यहाँ पे एंजॉय करा है। बाकी मेरे दो नए दोस्त हाय, चलो। तो बच्चे ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब ये गोप्रो को देख के, तो बोलते हैं भाई आप यूट्यूबर हो, हमें भी ले लो वीडियो में। तो ले लिया उनको भी। ओए होए होए, बाकी जरा ये जगह देखो, मतलब यार ये खेत इतने सुंदर लगते हैं ना, ऐसा खुला एरिया बहुत ज्यादा बढ़िया। बाकी देखो अभी यहाँ पे रोपाई चल रही है, मतलब कि यहाँ पे अभी लग रहे हैं धान। ये देखो यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम। बाकी देखो ये तो शुरुआत है, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे नजारे एक नंबर हो जाएंगे। चलो ना खा पर है। ओके जी, तो अभी हम रास्ते में ही थे, बाकी ये लोग कह रहे हैं कोई व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट देखते हैं चल के जरा, और आप लोग को भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गया एकदम से अचानक से, ऊपर तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है लेकिन बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। ओके यहाँ पे तो मंदिर भी है सामने, इतने बढ़िया पहाड़ और मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे। तो फिलहाल तो चलो हेलमेट वगैरह निकालते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो
देखो अभी हमें इसके ऊपर चढ़ना है और इसके ऊपर से देखिएगा व्यू ऑब्वियसली क्योंकि काफी ज्यादा हाइट पे, बाकी जरा पूरे का पूरा व्यू देखो ना भाई, इतना ज्यादा मस्त लग रहा है। चलो जी चलो चलो चलो। ओ भाई साहब, भाई हम ऊपर पहुंच चुके हैं और क्या व्यू है यहाँ से। थोड़ा स्केरी भी है क्योंकि हिल रहा है ना काफी ज्यादा। बाकी अभी आप लोग को व्यू दिखाता हूँ, ये देखो जी व्यू देखो। ये किसी किसी आवाज आ रही है। चल भाई चलिए चल। चलो भाई देखो व्यू दिखाएंगे, चक्कर में ना इन व्यू में खोना जाए हम। ओ भाई कैसी कैसी आवाज आ रही है, जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। तो जी वी आर सेफ एंड साउंड और हम नीचे आ चुके हैं। बाकी एक हमारे पीछे मंदिर भी है, तो आओ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है, जय भोलेनाथ। बाकी देखो इतनी हाइट से व्यू ना बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, चाहे कहीं का भी हो। तो ड्रोन ना यार इसीलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी हाइट से जहाँ से हम यूजुअली चढ़ नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते आप लोग को, उस चीज को ड्रोन कैप्चर कर लेता है। बाकी ड्रोन यार, ड्रोन लेना तो है देखो, पर लेकिन ड्रोन आएगा कैसे? तो ड्रोन आएगा ऐसे, जब आप करोगे सब्सक्राइब, वीडियो देखोगे, वीडियो शेयर करोगे। तो इसी बात पे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर नहीं करिए तो वीडियो शेयर कर लो, लाइक नहीं करिए तो लाइक कर लो। बाकी चलो हम चलते हैं यहाँ से अब आगे। तो दगड़ियों हम लोग पहुंच चुके हैं कोटी गांव, और ये जगह सच में इतनी ज्यादा प्यारी है ना। एक तो आप लोग सामने देख ही सकते हो पहाड़, मतलब इतना बढ़िया व्यू है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में बादल अटके पड़े हैं। बाकी अभी यहाँ से एक और व्यू दिखता है, वो मैं आप लोग को रुक के दिखाता हूँ। और जो दूसरा व्यू है वो देखो सामने, पूरी अपनी देहरादून वैली दिखाई देती है यहाँ से, है ना बढ़िया। देखो दोनों व्यू है, पहाड़ भी है और अपनी दून वैली भी दिख रही है। ओए होए होए, जरा सामने नदी का व्यू देखो एक बार, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। ओ भाई, ओ भाई साहब ये देखो जरा, मतलब सड़क पे देखो झरना है भाई। तो मानसून में ना यही होता है, हर जगह से पानी गिर रहा होता है। तो जी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कोटी की नदी में और अभी आप लोग को व्यू दिखाता हूँ। तो जी जरा ये देखो, वहाँ पे काले काले बादल हैं, यहाँ पे दूध जैसा पानी है, एकदम सफेद पानी है। और ये देखो हमें अभी क्या दिखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये गूगल का 360 कैमरा है। तो अगर आप लोग को गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू में भाई दिखता है ना, तो हाई कहते हैं ना। तो फिलहाल तो देखो इस प्यारे से व्यू को भाई कह रहे हैं। बाकी सच में भाई ये जगह ना अभी इस टाइम इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ना, मतलब वर्ड्स ही नहीं है भाई। ऐसी होता है देखो बरसात में ना, वैसे तो ज्यादातर बारिशें होती है, लेकिन अगर उन बारिशों के बीच धूप निकल जाए ना, एकदम क्लियर व्यू दिखता है आप लोग को, एकदम हरे हरे पेड़, सब कुछ ना ऑन पॉइंट होता है। भाई साहब मतलब क्या व्यू है भाई, ये देखो सड़क देखो और जरा लेफ्ट साइड में अपने व्यू देखो जरा, मतलब कितना बेस्ट जगह है यार ये। और सच में भी ड्रोन होता ना भाई तो क्या ही व्यू आता यार। लेकिन चलो कोई नहीं, ड्रोन भी आ जाएगा भाई बहुत जल्द आएगा। बाकी आप लोग को ये व्यू कैसा लग रहा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो जी फिलहाल तो हम वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं। बाकी देखो हेलमेट वगैरह निकालते हैं और फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो जी हम लोगों ने गाड़ी वगैरह खड़ी करके ट्रैक जो है अपना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अभी का व्यू देखो जरा यहाँ पे, कितना जरा बढ़िया लग रहा है। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना वो मंदिर है, बाकी ऊपर भी एक मंदिर है, वहाँ पे ना भंडारा चल रहा है, जिसकी वजह से देखो आपको काफी सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे। तो नीचे ना इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो मैं तो डर गया था, मैंने कहा वाटरफॉल में इतने सारे लोग आ रहे हैं क्या। बाकी भाई मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, बाकी खेत देखो भाई कितने ग्रीन लग रहे हैं। लोग पिछली बार आए थे ना, तो जो आपको बगल में दिखाई दे रही है कैनाल छोटी सी बनी हुई, तो उस टाइम इसमें इतना बढ़िया पानी आ रहा था ना, लेकिन अभी ये बिल्कुल सूख रही है। बाकी रीजन अभी शायद हमें थोड़ी देर आगे जाके चल जाएगा पता। तो जी देखो मैं इस पानी के बारे में बात कर रहा था, और इसके वजह से ना आगे पानी नहीं जा रहा, क्योंकि देखो ये पूरा ब्लॉक हो रहा है और सारा का सारा पानी वहां से गिर के नीचे चल जा रहा है। लेकिन देखो जरा कितना बढ़िया लग रहा है। ओके जी तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वाटरफॉल में, तो चलिए अब दिखाता हूं आपको वाटरफॉल के क्या हाल है। ओ भाई साहब जरा ये देखो भाई, मतलब पूरा पहाड़ यहाँ पे टूट के आ रखा है यार ये तो इसी बारे में लोग शायद बोल रहे थे। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वाटरफॉल के पास। तो जी ये
था हमारा वाटरफॉल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। बाकी जब मैं पहले आया था ना इससे पहले, तो वाटरफॉल ना एकदम यहीं से सामने दिखता था, इतना बढ़िया। बाकी अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे टूटा हुआ पहाड़, और यही चीज इस जगह को बहुत ज्यादा रिस्की बनाती है। मतलब अभी आप लोग के स्क्रीन में एक वीडियो आ रही होगी जिसमें दिखाई दे रहा होगा पहाड़ के अंदर से ना देखो पानी निकल रहा है, और ये बताता है कि ये पहाड़ जो है ना वो कच्चा है तो कभी भी टूट सकता है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ ना, कि अगर पहाड़ टूटा ना भाई तो पिछल जाओगे, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हम लोग भी ज्यादा देर वहाँ बैठे नहीं, हम लोग भी थोड़ी देर वहाँ पे रहे और वापस आ गए नीचे। और जरा एक बार मौसम चेक करो, यहाँ पे ऊपर काले काले बादल हो गए और नीचे देखो जरा धूप आ रही है एकदम बढ़िया। बाकी चलिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन में। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आज का दिन जो है यहाँ बैठ के अपना स्पेंड करने वाला है। एक बार जरा पीछे का व्यू देखो भाई, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मैं अभी कैंपिंग स्टोव लेके आ रखा हूँ, मेरे पास मैगी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, सब कुछ है। तो अभी यहाँ पे मैगी वगैरह कुक करते हैं, यहीं पे खाते हैं। तो जी यहाँ पे देखो अपनी मैगी होने वाली है तैयार। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी मैगी क्यों खाता हूँ, कि भाई देखो हम हैं आलसी लोग, अब मैगी झटपट बन जाती है तो इसलिए मैगी खाते हैं। तो जी देखो मैगी और कोल्ड ड्रिंक जो कि थोड़ी गिर गई है, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आप व्यू देखो जरा एक बार, मतलब तीनों ना मतलब सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी अभी हम खाते हैं और फिर करते हैं हम लोगों से बात। तो जी हमारा खाना पीना सब हो चुका है डन। बाकी आज का दिन ना बहुत ज़रा बढ़िया था, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा ना वो यहाँ का था। यहाँ पे हम लोगों ने कुक करा और इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोगों ने मैगी खाई। तो फिलहाल अभी सोच रहे ना कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो जगह हम आए थे ना ये कोटी है, और देखो अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हो ना तो देखो अभी हमने जितना भी कूड़ा हमने फैलाया ना तो सबको इसको पैक करके अपने साथ वापस लेके जाएंगे, और इसको वापस से वैसा ही छोड़ देंगे जैसा ये थी। बाकी मुझे फिर से एक बार बोलने में मजबूर कर दिया कि भाई क्या नजारा है। बाकी चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरत नजारे के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। तो कितनी गर्म हो रही है, ओ जल्दी इसको पकड़, इसको नीचे रख, उसको नीचे रख, इसको पकड़, सारा एक साथ। अबे इतनी सी मैगी।